रियलिटी शो खतरो के खिलाड़ी मेड इन इंडिया, या यूं कहें खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड। जी हाँ, इसी नाम से बहुत दिनों से बातें चल रही हैं। इस शो से जुड़ी दो दिनों से, या यूं कहें कि आज सुबह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है, कई सारी वेबसाइट्स का कहना है कि इस शो को फराह खान होस्ट करेंगी, लेकिन वहीं पिछले दो तीन दिनों से या हफ्तों की बात करें जब से इस शो की बात चल रही है, उन लोगों का कहना है कि इस शो को रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे। लेकिन सच क्या है वो हम आपको बताते हैं टेली स्पीक पर। दरअसल इस शो को रोहित शेट्टी और फराह खान दोनों होस्ट करेंगे। अब आई एम श्योर आपके जहन में भी यही सवाल होगा कि एक ही शो के लिए दो होस्ट कैसे हो सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल फराह खान को ऑप्शनल रखा गया है। अगर आपको याद हो, बिग बॉस याद हो, बिग बॉस का सीजन कौन सा था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बिग बॉस के उस सीजन में बीच में दो दिन सलमान खान नहीं थे, किसी वर्क कमिटमेंट की वजह से या कुछ और इश्यूज की वजह से दो दिन सलमान नहीं थे और उस शो को होस्ट किया था फराह खान ने। सेम वैसा ही यहाँ होने वाला है। जी हाँ, इस शो को खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया, या यूं कहें खतरों के खिलाड़ी रीलोडेड को शुरू के दो एपिसोड जो होंगे वो फराह खान होस्ट करेंगी, और दो एपिसोड के बाद फिर इसे कंटिन्यू करेंगे रोहित शेट्टी। यानी एक्चुअल में इस शो के होस्ट जो हैं वो रोहित शेट्टी ही हैं। दरअसल शुरू का ये एपिसोड, इसकी शूटिंग शुरू हो गई है आज से, और इस शूट के लिए रोहित शेट्टी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बताया था कि पिछले शुरुआत के कुछ दिन उनको अपना कुछ वर्क कमिटमेंट की वजह से वो शुरू के दो एपिसोड के लिए नहीं पहुँच पाएंगे, और इसीलिए इन दो एपिसोड को होस्ट करेंगे फराह खान। उसके बाद इस शो की कमान संभालेंगे रोहित शेट्टी। वैसे ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित ना हो तो वो मजा, वो एक्सपेरिमेंट सबको नहीं मिलेगा जो रोहित के साथ मिलता है। रोहित अपने सभी कंटेस्टेंट को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, उनके साथ जो जोक, जो मस्ती, जो उनका कंफर्ट जोन होता है वो बहुत ही अलग होता है। वैसे ही जैसे बिग बॉस में अगर सलमान खान ना हो तो फिर बिग बॉस की जान खत्म हो जाती है। एक खास बात और आपको बता दें, इस शो की शूटिंग इंडिया में ही होगी, इसीलिए इस शो का नाम खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया रखा गया है। और इस शो में जो अभी तक कंटेस्टेंट जिनके नाम आ रहे हैं उनमें है एली गोनी, निया शर्मा, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, जय भानुशाली, जैस्मीन भसीन, साथ ही करिश्मा तन्ना से भी बातें चल रही हैं, लेकिन करिश्मा की तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, उनकी तरफ से अभी हाँ नहीं आई है। लेकिन खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया के मेकर्स भी चाहते हैं कि इस शो में भी करिश्मा तन्ना ज़रूर हो, पर करिश्मा की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो खतरों के खिलाड़ी के फैंस हो जाइए खुश, दो एपिसोड के बाद आपको आपके फेवरेट होस्ट रोहित शेट्टी ही देखने को मिलेंगे। और हम आपको बता दें, फराह इस शो की शूटिंग शुरू कर चुकी है। उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सभी को हिंट दिया है कि वो पहुंच चुकी है सेट पर और लोकेशन पर जहां इस रियलिटी शो की शूटिंग शुरू होगी। इस शो से जुड़े सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।